friends, good morning. How are you? I hope all are fine. Dear students, welcome back to LKG Hindi class. बच्चों, आप लोगों ने first term exam दे लिया, उस समय हम लोग जो सीखा वर्णों को उसका आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया. अब हम लोग आगे देखेंगे. आगे जिन वर्णों को हम लोगों ने सीखा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण. अब इन वर्णों से दो दो वर्ण निकालकर हम लोग शब्द बनाएंगे. क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे. हर वर्ण से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों जगह से एक एक वर्ण, कहीं पर से भी कोई भी वर्ण लेकर हम लोग एक ऐसा शब्द बनाएंगे जिससे कोई मतलब हो, जिसका कोई मीनिंग हो. ऐसे शब्द हम लोग बनाएंगे. अब यहाँ पे देखिए, हम लोग बनाए हैं दो अक्षरों से बने शब्द. छोटी ई, ये क्या है? छोटी ई. इसे हमने स्वर वर्ण से लिया है. और त्र, त्र से त्रिशूल. इसे हम लोगों ने व्यंजन वर्ण से लिया है. और ई जोड़ त्र, दोनों मिलकर क्या बन गए? ई त्र इत्र. इत्र जो लगाते हम लोग अच्छी सुगंध करने के लिए, पार्टी में जाते हैं तो वही इत्र है ये. उसके बाद व्यंजन वर्ण से हम लोगों ने लिया फ, और फिर व्यंजन वर्ण से ही लिया ल. फ ल फल. फल जो हम खाते हैं, आम, सेब, केला, ये सभी क्या है? फल है. फिर व्यंजन वर्ण से लिए ख से खरगोश, और त से तरबूज. ये दोनों को अलग अलग लेकर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? खाता खत. खत जो पत्र हम लोग लिखकर दूसरे को समाचार देते हैं, अपने खैरियत बताते हैं, अपनी अच्छाई को बताते हैं, वो है खत. जब लोग दूर रहते हैं तब हम लोग खत के द्वारा उनसे बातें करते हैं. खाता खत. ग, ग से गमला. ये कहां से लिए हम लोगों ने? व्यंजन वर्ण से. और ध में नीचे बिंदु लगा दिए, ये बन गया अढ़ा. अढ़ा भी व्यंजन वर्ण से आ गया, तो ये दोनों मिलकर बन गए गढ़ा. गढ़, गढ़ मीन्स पुराना किला जो होता था राजा महाराजा लोग का, उसको बोलते हैं गढ़. घा, घा वर्ण व्यंजन वर्ण से लिए. र वर्ण भी हम लोगों ने व्यंजन वर्ण से लिया, तो ये दोनों मिलकर बन गए घर, घर. घ र घर. फिर च, च व्यंजन वर्ण से लिए, ख भी व्यंजन वर्ण से लिए, तो च और ख मिलकर बन गए चख, चक. चक मम्मी खाना बनाती है अच्छे अच्छे, उसको हम लोग क्या करते हैं? चख कर देखते हैं अच्छा है कि नहीं है, मीठा है, तीखा है, नमकीन है, तो ये चखा चक. और एक बार देखेंगे, ई त्र इत्र. फ ल फल. ख त खत. ग ळ गण. घ र घर. च ख चक. बच्चों, आप लोगों के कॉम्बो बुक के सेकेंड टर्म के पोर्शन में, जब कॉम्बो बुक आपके पास है उसके सेकेंड टर्म के पोर्शन में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये मिलेगा दो अक्षरों से बनने वाले शब्द. इत्र फल, खत गढ़ घर और चक. ये इतना को आप लोग लर्न कीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा और इसको कॉपी में बनाइएगा. ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय.